हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और आज हम इंट्रोडक्शन टू माइनिंग में बात करेंगे वेरियस मोड ऑफ एंट्री या वेरियस मोड ऑफ एक्सेस टू अंडरग्राउंड माइनिंग। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एक्सेस टू अंडरग्राउंड माइनिंग। तो मैं आपको बता दूं, अंडरग्राउंड माइनिंग में या अंडरग्राउंड माइन के लिए तीन टाइप्स के मोड ऑफ एक्सेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ओपनिंग, सेकेंडरी ओपनिंग और टर्शरी ओपनिंग। और इन तीनों ओपनिंग में बहुत सारे जो हमारे मेन ओपनिंग्स हैं वो क्लासीफाई हुए हैं, जैसे प्राइमरी ओपनिंग में शाफ्ट, इंक्लाइन, एडिट, टनल, सेकेंडरी ओपनिंग में क्रॉस कट और लेवल, टर्शरी ओपनिंग में रेज, विंस, ड्रिफ्ट, रैंप या मैनवे। ये सारे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं इसे शुरू। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राइमरी ओपनिंग जो कि हमारा पहला है शाफ्ट। शाफ्ट मतलब फ्रेंड्स एक वर्टिकल ओपनिंग होता है या फिर नियर वर्टिकल ओपनिंग होता है, जो हम सरफेस से अंडरग्राउंड ड्राइव करते हैं और बॉडी तक पहुंचने के लिए या एक कोल सिम तक पहुंचने के लिए। ये एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक वेल यानी कुआ की तरह होता है। हमारा सेकंड प्राइमरी ओपनिंग है इंक्लाइन। इंक्लाइन ओपनिंग मतलब फ्रेंड्स जो अगर से कोई डिपॉजिट जो है एक शैलो डेप्थ में है या फिर हम किसी वजह से अंडरग्राउंड माइंस में शाफ्ट को इम्प्लीमेंट या यूज़ नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर उस माइन में हम इंक्लाइन ओपनिंग बनाते हैं। जैसे कि इंडिया की मैक्सिमम कोल माइंस इंक्लाइन ऑपरेट करती है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्लाइन माइन में एक इंक्लाइन रोडवे बनाते हैं सरफेस से अंडरग्राउंड और बॉडी तक पहुंचने या डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए, जिसमें वो इंक्लाइन एक एंगल बनाती है सरफेस से। हमारा तीसरा ओपनिंग है एडिट। एडिट फ्रेंड्स जो एक समझो एक डिपॉजिट है जो कि हिल में या आउटक्रॉप डिपॉजिट है। तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे एक हिल में डिपॉजिट मिल गया तो हमें वहाँ से डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सकेवेट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ एक ओपनिंग बनाएंगे जिसे हम एडिट बोलेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो एडिट से क्या करेंगे, हम एक ओपनिंग बनाएंगे जो कि और बॉडी या कोई भी डिपॉजिट तक के पहुंचने में हमें हेल्प करेगा। लेकिन कब, जब वो डिपॉजिट जो है हिल के अंदर या फिर कोई भी आउटक्रॉप के अंदर हो तभी। एडिट में क्या होता है, एक एंड हमेशा खुला हुआ रहता है एटमॉस्फेयर से और एक एंड जो रहता है वो अंडरग्राउंड में कनेक्ट रहता है। हमारा चौथा ओपनिंग है टनल। टनल फ्रेंड्स सेम एडिट की तरह होता है। हिल में अगर से डिपॉजिट या आउटक्रॉप डिपॉजिट है और जिसमें हम अंडरग्राउंड ओपनिंग बनाए, सेम वैसा ही सेम एस एडिट की तरह होता है। बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि टनल में, जैसे एडिट में जो है एक एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, टनल में दोनों भी एंड एटमॉस्फेयर के ओपन होता है। मतलब अगर से आप एक एंड से इंटर कर रहे हैं तो आप दूसरी और से निकल सकते हैं। जैसे कि आप माइनिंग की टर्म में ना कहते हुए कोई अदर टर्म में भी आप देखे होंगे या फिर टनल से आप गुजरे भी होंगे, जैसे कि एक रोडवे, जैसे कि कोई रास्ते में भी हमें टनल आता है, सेम एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पे भी एक टनल होता है अपने माइनिंग के टर्म में। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी ओपनिंग की। सेकेंडरी ओपनिंग में पहला है लेवल। तो लेवल मतलब एक हॉरिजॉन्टल या लेवल ओपनिंग होता है जो कि स्ट्राइक डायरेक्शन में हम उसे बनाते हैं विद इन दी ओवर बॉडी। ओवर बॉडी में ही हम उसे स्ट्राइक डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं। हमारा दूसरा सेकेंडरी ओपनिंग है क्रॉस कट। क्रॉस कट मतलब एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होता है जो कि हम प्राइमरी ओपनिंग से ड्राइव करते हैं। मतलब कि या तो हम शाफ्ट से उसे ड्राइव करेंगे या फिर हम उसे लेवल से ड्राइव करेंगे, तो उसे बोलते हैं क्रॉस कट, जो कि एक रॉक स्ट्राटा या फिर कंट्री रॉक के थ्रू होते हुए चलता है। ये जो क्रॉस कट है हम उसे ओवर बॉडी में नहीं ड्राइव करते हैं। अब बात करेंगे हम टर्शरी ओपनिंग की। तो टर्शरी ओपनिंग में हमारा पहला है रेज। रेज मतलब होता है फ्रेंड्स जो दो
मेन लेवल है, जैसे कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, जो दो मेन लेवल के बीच में वर्टिकल या नियर वर्टिकल ओपनिंग हम बनाते हैं या ड्राइव करते हैं, उसको बोलेंगे रेस। लेकिन रेस में क्या होता है, हम लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर हम ओपनिंग ड्राइव करते चलते, मतलब ऊपर की ओर ड्राइव करते हुए चलते हैं, उसे कहेंगे रेस। और अगर सेम चीज़ विंस के साथ होती है, लेकिन विंस में भी ये डिफरेंस है कि दोनों अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में तो हम वर्टिकल और नियर वर्टिकल ओपनिंग ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हम अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर चल रहे हैं ड्राइव करते हुए, उसे कहेंगे विंस। तो रेस और विंस में यही डिफरेंस है कि रेस जो है वो ऊपर की ओर ड्राइव करते हुए चला जाता है, और विंस जो है वो नीचे की ओर ड्राइव करते हुए चला जाता है, मतलब कि अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर ड्राइव करते हुए चला जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की ओर लेवल 1 दिया हुआ है, नीचे की ओर लेवल 2 दिया हुआ है। विंस जो है फ्रेंड्स, वो दे आप देख सकते हो कि पहले लेवल से नीचे की ओर आ रहा है तो उसे विंस कहेंगे, और सेकंड लेवल से जो ऊपर की ओर जा रहा है वर्टिकल ओपनिंग, उसे हम कहेंगे रेस। अब बात करेंगे ड्रिफ्ट या फिर ड्राइव, जिसे हम ओवर ड्राइव भी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट या ड्राइव मतलब होता है कि एक ओपनिंग होती है टर्शरी ओपनिंग, जो हम स्ट्राइक डायरेक्शन के पैरेलल बनाते हुए चलते हैं, ताकि जो कि एक रॉक स्ट्राटा या कंट्री रॉक में हम बनाते हुए चलते हैं, इसे हम डिपॉजिट की में बनाते हुए नहीं चलते हैं। ये इसका मेन पर्पस ये है कि हम एक अनादर ओर बॉडी या फिर कोई भी डिपॉजिट हम लोकेट कर सके। तो टर्शरी ओपनिंग में ड्रिफ्ट या ड्राइव का यही मेन पर्पस है कि हम एक ओर बॉडी से कोई दूसरी ओर बॉडी रॉक स्ट्राटा या कंट्री रॉक में ट्रैवल करते हुए कोई अनादर ओर बॉडी या अनादर डिपॉजिट लोकेट कर सके। हमारा चौथा टर्शरी ओपनिंग है रैंप। रैंप मतलब जैसे कि रेज और विंस जो होता है दो मेन लेवल के बीच में ओपनिंग होता है, सेम वैसे ही रैंप भी होता है, लेकिन रैंप जो होता है वो स्पाइरल शेप में ओपनिंग होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, रैंप जो होता है वो एक स्पाइरल शेप ऑफ ओपनिंग होता है बिटवीन टू मेन लेवल्स। अब बात करेंगे हम मैनवे की। तो मैनवे जो है एक ओपनिंग होता है जो कि ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, कोई भी पर्सन के लिए, तो पर्सन के लिए ट्रैवलिंग पर्पस के लिए तो यूज़ हो रहा है, लेकिन वो कनेक्ट हमें करता है स्टॉप में। स्टॉप में हमें ट्रैवलिंग पर्पस के लिए जो भी ओपनिंग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैनवे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको सारे ओपनिंग्स लगभग समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस है, ज़मीन पे हम हैं, यहाँ पे एक हेडियल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम केज में बैठ के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे केज में बैठ के अगर से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल तक के जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जो जो केज है, जिस भी वर्टिकल जो ओपनिंग है जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है, उसे हम कहेंगे शाफ्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं लेवल की। तो जैसे कि आपको लेवल की डेफिनेशन बता दिया गया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्रॉस कट यहाँ पे बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो क्या होता है, शाफ्ट से कनेक्ट है लेवल, लेवल से कनेक्ट है क्रॉस कट। अभी जैसे कि शाफ्ट हो गया प्राइमरी ओपनिंग, सेकेंडरी ओपनिंग लेवल, क्रॉस कट भी सेकेंडरी ओपनिंग, लेकिन वो लेवल या शाफ्ट से बनाया जाता है। उसके बाद अभी हम क्रॉस कट के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्रॉस कट के अंदर आ चुके हैं, तो भी हमें लोअर लेवल से अपर लेवल जाना है, तो हम बिटवीन टू मेन लेवल्स हम रेस ड्राइव करेंगे ऊपर की ओर, या फिर अगर से हम अपर लेवल से लोअर लेवल जाना है तो हम नीचे की ओर विंस ड्राइव करेंगे। आप डायग्राम में मैनवे भी देख सकते हैं जो कि दो लेवल के बीच में बना है, लेकिन मैनवे की टोटल हाइट दो दोनों लेवल तक की मैच नहीं रहती है, जब तक के भी स्टॉप की हाइट जहाँ तक के जाती है, जैसे जैसे स्टॉप हम ऊपर की ओर एडवांस करते चलते हैं, वैसे हम मैनवे ऊपर की ओर बनाते हुए चलते हैं। उसके नीचे आप रैंप का डायग्राम देख सकते हैं, ऐसा स्पायरल शेप ऑफ ओपनिंग रहता है टू मेन लेवल के बीच में, उसे रैंप कहेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए.